गुड मॉर्निंग एवरीवन। उस दिन आप कर रहे थे पात्र चित्रण, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए थे साडे। ओके, सो पहला है सिर्जना। सिर्जना सब तो पहला जान पहचान, ठीक है। जान पहचान से तुसी की लिखोगे? अठाई तो 29 साल ते ओहो पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है। क्लियर है? ओ जॉब भी करती है पर इतने उधर मेंशन नहीं है कि वो केड़ी जॉब कर रही है, सो वाला ना लिखो। बड़ी पढ़ी लिखी है, सूझवान है, ठीक है। हाँ गलत है सही विच फर्क दा पता है। ओके ठीक है, राइट। जान पहचान विच दो तीन लाइना, तो पहला तुसी पहला की लिखते हो कि हाँ सिर्जना इकांगी दी एह मुख पात्र है, ठीक है। उसकी उम्र 28 तो 29 साल है, वो कुलदीप दी पत्नी है, पढ़ी लिखी है, ठीक है। जान पहचान विच तुसी सिर्फ दो या तीन लाइना देनिया और हुन तुसी करैक्टर स्केच अपनी फेयर कॉपी ते करनी है क्योंकि इस बारी सब्जेक्टिव है नो, ठीक है। ओके सेकेंड पढ़ी लिखी कुड़ी, ठीक है, पढ़ी लिखी औरत। इलैबोरेट कितना करोगे? ठीक है ठीक है, पढ़ी लिखी औरत लिख लोगे दे विच हर एक पॉइंट विच तुसी कटो कट तीन या चार लाइना लिखनिया ने, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट स्कैनिंग करवाने तो मना करने वाली, हाँ ऐसा कर लो सही ते गलत दी पहचान करने वाली। ठीक है सही ते गलत विच तुसी लिखोगे स्कैनिंग वाला, ओके कि वो सही ते गलत दी पहचान करन वाली है, राइट। फिर होर की लिखोगे? गलत है ते वो इस बारे दूसरे नु भी कहंदी है, ठीक है। बाकी भी बोलो, तीन पॉइंट हो गए। हाँ पाप समझती है, ओके नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट पॉइंट नेक्स्ट स्मार्ट सिर्फ लिखा हुआ है विच, हाँ बट उदे विच इतना क्लियर कट नहीं लिखा हुआ ना। नेक्स्ट पॉइंट वही हो गया ना बेटा, एदे विच ही आ जाएगा सही ते गलत विच ही। पति द कहना मंदी ओहो सास तो डरन वाली है क्योंकि सास तो डरदी है ताही ता ओहो स्कैनिंग करा ली आंदी है, चाहे उत्थे आके ओना विच आर्गुमेंट सुनने नहीं, ठीक है। सास तो डरन वाली, और समाज में सेध देने वाली बन सकता है, सेध की होता है। इतने भी काफी लिखे हुए हैं पॉइंट्स, ओके नेक्स्ट लिख लो। समाज नू सेध देन वाली, ठीक है। एदे विच की लिखोगे?
ओके ठीक है। समाज को सेध देने वाली लिख लोगे, सेध मतलब इंस्पिरेशन देने वाली, समाज को, क्योंकि वो पढ़ी लिखी औरत है इसलिए वो समाज को एक सेध देती है कि कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, सानू मुंडे कुड़ी दे विच फर्क नहीं करना चाहिए। या एक तो अलग एक और पॉइंट बन सकता है मुंडे के कुड़ी विच भेद ना करन वाली, ठीक है, ये तुसी पॉइंट्स लिख सकते हो। सिक्स पॉइंट, मुंडे के कुड़ी विच भेदभाव ना करन वाली या मुंडे कुड़ी नू एक बराबर समझन वाली, ठीक है। पॉइंट्स अलग अलग हो सकती नहीं बट कई बार जी एक्सप्लेनेशन है वो सेम हो सकती है। क्लियर? आधुनिक विचारा वाली, ठीक है, आधुनिक विचारा वाली की लिखोगे? सेम वही वाला ही आ जाएगा जो थोड़ा सेवंथ पॉइंट है, ठीक है। आदमी को पढ़ी लिखी है इसलिए वो नवी सोच वाली है, वो कुक विच पाल रहे बच्चे नु मारना नहीं चाहती, ठीक है, ते मुंडे कुड़ी विच कोई फर्क नहीं करना चाहती, ते यही गल अपनी सास नु भी समझाती है, ठीक है। होर नेक्स्ट पॉइंट, ओके, पति दा सतिकार करने वाली है। पति दा सत्कार करने वाली, क्योंकि देखो वो चाहे आर्गुमेंट कर दी है पर जो दो दे पति नू कॉल कर दी है, ठीक है, कि मेनू बीजी की कह रहे ने स्कैनिंग करवाने कह रहे ने, तो वो कहंदा है कि जिद्दा बीजी कहंदे ने ओदा ही तू कर ले, ठीक है। ते एंड ते ए भी, एंड ते भी लाइन लिखनी है कि ओदा पति जड़ा है ओनू बाद विच एहसास हुंदा है तो अपने पति दी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, ठीक है। लास्ट ते आपां पढ़िया सी ना, क्लियर है? सत पॉइंट, अठ टोटल हो गई अठ, ठीक है। होर बोलो, बहादुर मुटियार, बहादुर किवें है? समाज से रीति रिवाजों नूं नहीं मंदी, ठीक है। नेक्स्ट, दलीलबाजी कर दी है, दलीलबाजी की होंदा लड़ाई नहीं होंदा, आर्गुमेंट्स करनी, ठीक है, दलीलबाजी करन वाली किहदे नाल करदी है? सास नाल। राइट, ये जदों उसी सास उसनूं कहंदी है कि जो स्कैनिंग लिए उसमें हस्पताल लेके जाती है तो अपनी बीजी के नाल बहुत ज्यादा दलीलबाजी आर्गुमेंट्स करती है, ठीक है, पर वो कभी भी उन्हें उच्चा नहीं बोलती, सास का भी सतिकार करती है वो, ठीक है, या सास को समझाने वाली भी लिख सकते हो अगर तुसी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हो, ठीक है। होर कोई पॉइंट, बहुत नहीं, 10 पॉइंट, 10 हो गए, ठीक है, काफी ने थोड़ा, आई थिंक एदा ही 1.5 पेज का बाणी जाना, हर एक दे विच तुसी 3-4 पॉइंट्स दा लिखोगे, ठीक है। इन्हां ने सुगड़ सिया नहीं लिखा होया, चलो आपां काफी कर लेना, 8 दित्ते आपां 10 कर ले। राइट, नेक्स्ट बीजी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया थोड़ा, ऑफलाइन स्टूडेंट्स डन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन,
ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਹਿਬਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੋਣ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਕਰ ਲਈਓ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਓਕੇ ਗੁਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਓਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਓਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮੈਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਵਲੀਨਾ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
आगे आ जाओ बेटा। ओके, जमीन जायदाद दी मालकण, ठीक है। एदे विच तुसी की लिखोगे? 40 किले पहली ते इक ओदे कोल सेलर सी, ते ओ कहंदी है कि मैं अमीर हो गया। जमीन जायदाद दी मालकण सेम हो गया, इदा भी लिख सकते हो, अमीर सी भी लिख सकते हो। अपना हुक्म ओनू दबा के रखती है, ओनू लगता है कि जेडी नू है ओदे कहे अनुसार चले, ठीक है। ये थोड़ा बहुत अपनी मनमर्जी वाला आ सकता है, ओदे कहे अनुसार चले, ओनू लगता है कि जो मैं कहांगी वही मेरी नूह करेगी, ते ओ नूह नू की करती है, ठीक है। किन्ने पॉइंट हो गए? 8 और 9। और जिद्दी हो सकती है, जिद्दी ते गुस्सेखोर आ सकता है, जो तुम अलग पॉइंट बनाना चाहते हो कर सकते हो, पिछे मर्ज करना चाहते हो थोड़ी इच्छा। जिद्दी ते गुस्सेखोर किता है, जिद्दी ते गुस्सेखोर हो गए 9-10 पॉइंट। ओके, एक होर पॉइंट लिख लो, पोते दी इच्छा रखने वाली, पोता ग्रैंडसन, पोते दी इच्छा रखन वाली हो गया, ठीक है। पोते दी इच्छा रखती है, ओनू लगता है कि ओदी नूह दे पहला एक कुड़ी है ते दूसरी किते कुड़ी ना हो जावे, इसलिए अपने पोते दी इच्छा रखती है, ते जदो ओनू लगता है कि ओदी नूह ओदी गल नहीं मनेगी, ओनू वारिस नहीं देवेगी, तो अपनी नूह नू बुरा भला कहती है, ठीक है। क्लियर? और भी देख लेने हैं, इधर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होएगा तो। जिद्दी भी हो गया, औरत दा दर्द ना समझन वाली, औरत दा दर्द ना समझन वाली, इधर विच की लिखोगे तुसी? लिख सकते हो वो एक खुद औरत है पर औरत दियां भावनावां नूं समझती नहीं है, ठीक है। फिर इहदे विच ओही आ जाएगा क्योंकि काम की तुहानूं पता ही है, बार 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 ओही गल आनी, औरत ही औरत दी दुश्मन हुंदी है, ठीक है। ते ओ खुद औरत हो के, खुद एक मां हो के ओ दूसरी मां नूं कहंदी है कि तू या तू स्कैनिंग दे विच अगर कुछ आंदा है तां तू ओनूं गिरा दे, गिरा मीन्स कुख विच ही मार दे, ऐदा लिख लो, ठीक है। ओके, एक होर लिख लो, लास्ट पॉइंट, नू नू दाज दे मेहड़े मारन वाली, नू नू दाज दे मेहड़े, मेहड़े किंदा ताने, टॉन्टिंग मारदी ओनू ताने, किथे मारदी है? जो हॉस्पिटल चलती है, फिर जो ओनू कहती है कि तू केड़ा कोई दाज लेके आई सी, तू खाली हथे आई सी इथे भी घर भी, ठीक है, तू बेगानी है, इसलिए जे तू मेनू वंश नहीं वारस नहीं दे सकती वंश का, कि तू अपने पिता दे घर चले जा। क्लियर है? समकौन वाली लिख सकते हो,
हां जी नून हो बेगाना समझन वाली ओके लिख सकते हो ओने नून नु कभी अपना समझया ही नहीं ओनु हमेशा ओ बेगाना ही समझदी सी इसलिए ओनु कहंदी क्लियर है डन ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स पॉइंट्स हो गए हाँ सिमरन लिख रहे हो के नेक्स्ट है मासी सहायक पात्र नेक्स्ट लिखो बेटा थर्ड पात्र चित्रण मासी सब तो पहला की लिखोगे जान पहचान विच की लिखोगे जान पहचान च लिखोगे सहायक पात्र है पॉइंट्स बनावांगे ना सहायक पात्र हस्पताल विच एक सफाई कर्मचारी है ठीक है जान पहचान विच सहायक पात्र है सफाई कर्मचारी है बस फिर फर्स्ट पॉइंट चुप रहने वाली सब तो पहला जान पहचान सेकंड लिखो समझदार गुस्से वाली समझदार किमें है समझदार सी ठीक है ते ओ सब कुछ जानती है कि सिरजना ते ओदी बीजी की करवाण आए हन ठीक है पर ओ कुछ नहीं बोलती समझदार विच हो गया गुस्से वाली च की लिखोगे अंदर आ जाना हाँ ठीक है गुस्से वाली है क्योंकि ओ सफाई पसंद लिख सकते आप सफाई पसंद है ते जदो वो सफाई कर रही हुंदी है ता ओनू नहीं पसंद के कोई ओदी सफाई दे उत्तो दी नंग जावे ता ओदी सारी सफाई खराब हो जावे ठीक है औरत दा दर्द समझन वाली है लिख लो हां जी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिख लो औरत दा ओके औरत दा दर्द समझन वाली मासी की है औरत दा दर्द समझती है औरत दा दर्द समझन वाला की लिख सकते हो कि औरत दा दर्द समझती है ठीक है ओहो की करती है सिरजना नु ये पाप करन तो रोकती है क्योंकि वो एक खुद औरत है तो वो चाहती है कि ओहो इदा दा गलत काम ना करे नेक्स्ट लवलीना भ्रूण हत्या दे खिलाफ होने वाली भ्रूण हत्या पीटर्स भ्रूण हत्या दे खिलाफ बोलन वाली ओनू लगदा सी ना कि हस्पताल विच सारे लोग यही काम करवाण आंदे ने ठीक है पर वो कहंदी है कि असी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तुहाडा अपना फैसला हुंदा है पर वो भ्रूण हत्या दे बिल्कुल खिलाफ है ओनू लगदा है कि कुख विच बच्चे नू मारना बहुत गलत काम है या पाप है नवी सोच रखन वाली आ सकदा है नवी सोच रखन वाली ओके ठीक है नवी सोच रखदी है इसलिए ओह मुंडे कुड़ी विच कोई फर्क नहीं करदी ठीक है सिरजना दा साथ दिंदी है इनू चाहे तुसी नेक्स्ट पॉइंट लिख लो सिरजना दा साथ देन वाली पर वो साथ नहीं दे सकती क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर
खुद ही फैसला करेंगे, वो सिर्फ सिरजना नु समझांदी है। या लिख सकते हो कि सिरजना नु सही ते गलत बारे समझाने वाली, सही नसीहत देने वाली, नसीहत। नसीहत मतलब चंगी मत, चंगी समझ देने वाली। और डॉक्टर तो डरती है, डॉक्टर तो नेक्स्ट देखिए। सुगड़ सियानी, हाँ ये भी लिख लो, सुगड़ सियानी औरत लिख लो, सुगड़ सियानी औरत, सुगड़ लिख लोगे। सुगड़ सियानी, सुगड़ किन कहते हैं, लिख लिया, मर्ज कर लियो। सुगड़ मीन समझदार। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, दूसरे आने खुश देख के खुश होने वाली, दूसरों की खुशी विच खुश होने वाली। खुश कदों होंगी वो, एंड दे जाके जदों दा पति आंदा, जदों सिरजना दा पति उसका साथ दिंदा है कि आपा स्कैनिंग नहीं करवानी, असी जो भी बच्चा आएगा असी उसका स्वागत करांगे, ठीक है, ते ओ खुश होंगी है, राइट। गुस्से खोर लिख ली, जज्बाती औरत, ओए हो गया ना, औरत दिया भावना में समझने वाली बहुत है। कितने पॉइंट हो गए, 9, 10 हो गए, ओके बहुत ही। हुन डॉक्टर दे कुलदीप कैसी नेक्स्ट क्लास विच करांगे, ठीक है। अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया हो, अगर किसी ने कोई होर पॉइंट आंदा होगा तो मैं दस दियो।